हाँ जी दोस्तों, स्वागत है तुहाडा सब दा सवेर दीआं खबरां दे मुख एपीसोड दे विच। आओ गल करदे हां पंजाब दीआं मुख खबरां दी। इस वेले जो पहली खबर आ रही है जी, मुख्यमंत्री ने पंजाब आने वाले नागरिकां नूं 21 दिनां दे एकांतवास भेजण दे आदेश कीते। पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वल्लों भावें आउंदे दिनां दे विच सावधानियां दे नाल कुछ छूटां देण दे संकेत दित्ते गए हन, पर नाल ही उन्हां मंगलवार नूं ऐलान कीता कि कोरोना के फैलाव की रोकथाम लिए होरना थावां तो पंजाब आने वाले हरेक नागरिक नूं लाजमी 21 दिन के एकांत वास्ते भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नांदेड़ साहब तो आने वाले श्रद्धालुओं और राजस्थान तो आने वाले विद्यार्थियों के मजदूरों नूं सरहद उत्ते ही रोक के सरकारी एकांतवास केंद्रां उत्ते भेजा जाएगा, तां जो ये यकीनी बनाया जा सके कि 21 दिनों लई ओह दूजे लोगों नाल घुल मिल ना सकन। उन्होंने कहा कि उन्होंने सरकार की सहायता नाल पिछले 3 दिन तो परत रहे लोगों लिए राधा स्वामी सत्संग डेरिया भी एकांतवास स्थान वजों वरत्या जाएगा। अगली खबर जी, शुरू हो रही है उड़ाना की बुकिंग, तुम भी बुक कर सकते हो अपनी उड़ान। कोरोना संक्रमण दौरान हर किसी के मन में एक ही सवाल है, आखिर यह लॉकडाउन कदों खुलेगा। इस दौरान चंगी खबर यह है कि सारिया घरेलू एयरलाइना ने उड़ाना की बुकिंग खोल दी है। तुसी हुण इन्हां कंपनी की वैबसाइट या किसी ट्रैवल पोर्टल तो अपनी टिकट बुक कर सकते हो। लॉकडाउन 3 मई को खत्म होने वाला है, पर एयरलाइना ने इस महीने की बुकिंग तो इनकार कर दिता। इंडिगो, स्पाइसजेट और एयर एशिया ने अपनी बुकिंग 1 जून तो खोली है। जानकारों का कहना है कि पहली बार लॉकडाउन तो बाद टिकटों की बुकिंग शुरू की गई थी, पर लॉकडाउन की मैद वधन कारण कंपनियों को टिकटों के पैसे वापस करने पे। यही कारण है कि हवाई कंपनियां हुण जून तो बुकिंग शुरू करनगियां। अगली खबर जी, अमित शाह नूं पत्र लिख के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सीमित जोनां नूं छड्ड के छोटियां दुकानां कारोबार ते उद्योगां नूं खोलण की आग्या मंगी। मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक बार फिर केंद्र सरकार का ध्यान कोरोना के अणकैसे संकट और लॉकडाउन के मद्देनज़र पंजाब दीआं नाजुक लोड़ां पूरियां करने लई लंबित पे मामलों वल दवाउण दे नाल केंद्रीय गृह मंत्री नूं अपील की है कि वह सीमित जोनां नूं छड्ड के सारे खेतरां दे विच छोटियां दुकानां कारोबार उद्योगां नूं खोलण की आग्या दे देण। इन्हां नूं खोलण लई कोरोना रोकू उपावां का पूरी तरह नाल पालन किया जाएगा। अज दी प्रधानमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में 9 मुख्यमंत्री नूं बोलण लई चुनिया गया, जदों कि पंजाब समेत बाकी सूबों नूं कहा गया तो केंद्र सरकार को लंबित पे मामलों ते इन्हां दे हल ते इन्हां नूं विचारण लई लिखती रूप विच भेज देण। अगली खबर जी दोस्तों, कोरोना मरीजों का सेहत विच तेज सुधार, रिकवरी रेट वध के 23.3 होया। सेहत मंत्रालय देश दे विच कोरोना नाल संक्रमित मरीजों की गिणती 29,000 तो पार हो गई है। यह गिणती हुण वध के 29,435 ते पहुँच गई है। पिछले 24 घंटे 62 लोगों की जान जा चुकी है। फिलहाल देश दे विच 21,632 मरीजों का इलाज जारी है। पिछले 24 घंटे 1,543 नवे मामले सामने आए हैं, तो हुण तक देश दे विच कुल 934 लोगों की मौत हो चुकी है, तो 6,868 मरीज ठीक हो गए हैं। राहत की खबर यह है कि देश दे विच कोरोना मरीजों की सेहत तेजी नाल सुधार हो रहा है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक मरीजों का रिकवरी रेट वध के 23.3 हो गया है। अगली खबर जी, कोरोना की आड़ विच धार्मिक वितकरा, बीजेपी विधायक वालों मुसलमानों तो सब्जी ना खरीदने की अपील। उत्तर प्रदेश में भाजपा के विधायक सुरेश तिवाड़ी ने कथित तौर पर देवरिया जिले में लोगों को मुस्लिम सब्जी वालों तो सब्जियां ना खरीदने लिए कहा है। जिले के बारज विधानसभा हल्के तो भाजपा विधायक को सोशल मीडिया से वायरल हो रही एक वीडियो में यह कहते सुनिया गया है। वीडियो के सरकारी अधिकारी की हाजरी में लोगों को कहते दिखाई दे रहे हैं कि एक चीज़ का ध्यान रखो, वो सारे खुल के कह रहे हैं कि मुसलमानों तो सब्जियां ना खरीदो। जो उन्होंने इस मामले में विधायक का पक्ष जानने लिए संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि पिछले हफ्ते उन्होंने बरहज नगर पालिका दफ्तर की यात्रा में यह बयान दिता सी। अगली खबर जी दोस्तों, कोरोना तो बचने लिए हज़ारों लोगों ने पीती मेथेनॉल, 728 लोगों की गई जान। पूरी दुनिया के कोरोना का कहर जारी है, लोगों में दिनों दिन इसका खौफ भी बढ़ता जा रहा है। इस वायरस तो बचने लिए कोई भी तरीका दसया जाता है तो लोग उसनों तुरंत अजमाउण लगते हैं। अजिही एक अफवाह ने ईरान के 700 तो ज़्यादा लोगों की जान लै ली है। दरअसल उत्थे अफवाह फैली कि मेथेनॉल पीण नाल कोरोना नहीं फैलता। इस तो बाद उत्थे वड्डी गिणती लोगों ने मेथेनॉल पी ली, जिस तों बाद 700 लोगों की जान चली गई।
अगली खबर जी, 24 घंटे दे विच कोरोना नाल देश विच 60 मौतां, 1463 नवे केस। भारत दे विच विदेशी नागरिक समेत कोरोना महामारी नाल पीड़ित लोगों की गिणती सोमवार 27 अप्रैल ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੇ 28,380 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਗ ਕਾਰਨ 800 ਤੋਂ ਉੱਪਰ 900 ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਖਬਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਸਹੀ ਨਾਲ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। अगली खबर जी, प्रवासी मजदूरों का वापस जाना पेंडू खेतरां लई हो सकदा वड्डा खतरा। गृह विभाग, देश विच कोरोना दे फैलण कारण देश विच 24 मार्च तो लॉकडाउन लगाया गया जो कि 3 मई तक जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रवासी मजदूरों नूं उहनां दे राज वापस भेजण दे कुछ दिनों बाद केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट नूं दस्सिया कि फिलहाल पेंडू खेतर वड्डे पद्धर ते कोरोना तो सुरक्षित हैं। गृह मंत्रालय ने कहा जे प्रवासी मजदूरों नूं पैदल ही अपनी यात्रा पूरी कर दित्ती जांदी है तां इस नाल वायरस पेंडू इलाकियां विच फैल सकदा। एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट ने इस गल का खुलासा किया है। अगली खबर जी, कोरोना विरुद्ध जंग के मैदान में योगदान लिए डटे चंडीगढ़ यूनीवर्सिटी के विद्यार्थी। कोरोना के चलते जिते सरकार समेत बहुत सारिया संस्थावां महामारी विरुद्ध जंग के मैदान के डटिया हुई हैं। अजि स्थिति चंडीगढ़ यूनीवर्सिटी घड़ूआ के विद्यार्थी भी इस मुहिम में अपना अहम योगदान निभा रहे हैं। चंडीगढ़ यूनीवर्सिटी के ITI इंजीनियरिंग के चौथे साल के विद्यार्थी और सगे भरा सुखप्रीत सिंह सागरप्रीत सिंह म्यूनसीपल कारपोरेशन के सहयोग के नाल चंडीगढ़ के सैक्टर 40 के एंट्री पॉइंटा के आने जाने वाले लोगों की थर्मल चैकिंग सैनिटाइज करने संबंधी सेवावान निभा रहे हैं। इसे जिक्रयोग है कि कोरोना के पसार को रोकने लिए UT प्रशासन ने चंडीगढ़ में कंटेनमेंट जोन ऐलान दिया। शहर में बाहरले लोगों के दाखिल होने के पाबंदी के हुक्म जारी किए हैं। इस संबंधी वधेरे जानकारी देंदिया CU के विद्यार्थी सुखप्रीत सिंह दस्सिया कि उन्होंने पिता दर्शनप्रीत सिंह चंडीगढ़ म्यूनसीपल कारपोरेशन के इनफोर्समेंट इंस्पैक्टर हैं, जबकि मौजूदा समय में चंडीगढ़ की कोरोना क्वारंटीन टीम के मुखी वजह सेवावान निभा रहे हैं, जिन्हों की प्रेरणा से म्यूनसीपल कारपोरेशन के सहयोग में वह इस विशेष वैलफेयर क्लब का हिस्सा बने हैं। अगली खबर दोस्तों, सलमान खान ने 7,000 मजदूरों के खाते में ट्रांसफर किए पैसे, पूरा किया वादा। कोरोना वर्गी महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लिया होया है। तमाम जतनों के बावजूद इस पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। देश में लागू लॉकडाउन के चलते दिहाड़ी मजदूर ते रोज कमा के खाने वाले पैसों का संकट, अनाज का संकट पैदा हो रहा है। अजिही स्थिति दे विच कई बॉलीवुड सारे सामने आ रहे हैं ते उन्हां वल्लों PM केयर्स फंड विच डोनेशन दे के इन्हां लोकां दी सहायता दे लई अगे हाथ वधाया जा रहा। कल यानी सोमवार दे दिन सलमान खान ने करीब 7,000 मजदूरों के अकाउंट विच 3,000 रुपए के हिसाब नाल हर मजदूर के खाते विच पैसे ट्रांसफर किए। दस दईए कि सलमान खान ने कुछ दिन पहला ऐलान किया सी कि लॉकडाउन करके बेरोजगार हो चुके इंडस्ट्री के दिहाड़ी मजदूरों की मदद करेंगे। उन्होंने 25,000 मजदूरों की आर्थिक सहायता करन फैसला लिया से हुण उह इसनूं पूरा करदे नज़र आ रहे हैं। सलमान खान के NGO बींग ह्यूमन ने लोगों के खाते में पैसे ट्रांसफर करन दा काम शुरू कर दिता है। हरेक मजदूर के खाते के 3,000 रुपए के प्रति हिसाब नाल सारिआं दे अकाउंटां दे विच पैसे पाए जा रहे हैं। दस दईए कि सलमान खान ने पहला 7 अप्रैल 16,000 मजदूरों के बैंक अकाउंटा के कुल 4,80,00,000 रुपए ट्रांसफर किए सन। अगली खबर जी, दूजे दिन भी सोने की कीमतों के भारी गिरावट। जाणो अज कितना सस्ता होया सोना। लॉकडाउन के दौरान लगातार दूजे दिन भी सोने की कीमतों के भारी गिरावट देखने को मिली है। अज यानी मंगलवार को सोमवार के मुकाबले सोना 362 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता होकर 46,000 तो हेठा आ गया है। सोमवार को भी गोल्ड 999 रुपए सस्ता होकर 46,336 रुपए से विकया सी। उत्थे ही अज चांदी भी 520 रुपए कमजोर हो गई, जबकि सोना मंगलवार को 338 रुपए डिग के 45,853 रुपये प्रति 10 ग्राम से आ गया है। अगली खबर जी, मामूली लक्षणों वाले मरीजों को घर में ही अलग रखा जाए। सेहत मंत्रालय ने बेहद मामूली लक्षणों वाले पीड़ित मरीजों को घर में ही अलग रख के इलाज ते देखभाल करन बारे दिशा निर्देश जारी किए हैं। सेहत मंत्रालय के अधिकारी लव अग्रवाल ने दसाया कि दिशा निर्देश पिछले दिन ही शक्की मरीजों को अलग थलग करने बारे जारी किए दिशा निर्देशों के वादे में ही जारी किए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि मामूली लक्षणों वाले मरीजों को हस्पताल की बजाय घर में ही अलग रखना ज़्यादा सुरक्षित
है। इस करके ही फैसला लिया गया सेहत विभाग की टीमों के द्वारा अजिहे मरीजों की सेहत का लगातार मुआयना किया जाएगा, जबकि उसकी देखभाल करने वाले लिए भी विशेष सुरक्षा तरीके सुझाए गए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि लक्षण या बीमारी के शुरुआती लक्षण वाले लोग खुद ही अपने आप को घरों में अलग रख सकते हैं ताकि वह परिवार के होर जीवन रेंदियां बीमारियों के नाल लड़ सकन। अगली खबर जी, भारी मीह कारण अनाज मंडियों में खुले समान हेठां भेज दी रही कणक दियां बोरियां। अनाज मंडी दुदन साधा खेड़ी रनवा अते मसिंगण मंडियों में अज दुपहरे पई बेमौसमी भारी बारिश ने जिथे किसानों की मुश्किलों के वाधा कर दिता, उत्थे अनाज मंडियों में खरीद एजेंसियों वालों खरीदी गई कणक की लिफ्टिंग समय सिर ना होने करके सैकड़े क्वंटल कणक खुले समान हेठ मीह दे विच भेजदी रही। इस दोस्तों हुण तक दीआं पंजाब दीआं मुख खबरां जिन्हां दे नाल तुहानूं जाणू करवाएगा। उम्मीद करदे हां कि साडे वल्लों दित्ती हुई जानकारी तुहानूं चंगी लगी होवेगी। जेकर वीडियो चंगी लगी तां लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करना, नाल ही साडे चैनल सबसक्राइब कर देना। इस दे नाल ही खबरां दा अज दा एपीसोड इत्थे ही खत्म हुंदा है। अगला एपीसोड लै के जल्द ही तुहाडे तक पेश आवांगे। तद तक दे लई रब राखा।